हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सो आज है फ्राइडे, जुम्मा है, आज हमें छुट्टी है। सो आज हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं अपनी किचन के लिए, जो है आटा मेकर, जो आटा गूंदने वाली मशीन होती है। क्योंकि पहले हम 2-3 ही पर्सन थे रूम पे, तो मैं आटा गूंद लेता था और चपातियाँ बना लेते थे। बट अभी हम 6-7 पर्सन हो गया, तो थोड़ी मुश्किल हो रही है आटा गूंदने में, क्योंकि इतना जनों का खाना मैं, इतने पर्सन का खाना मैं नहीं बना सकता हूँ। सो अभी हम लेके आए हैं आटा गूंदने वाली मशीन, जी पास कंपनी की है। तो चलिए फिर करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स, ये हम लेके आए हैं, जी पास कंपनी की है किचन मशीन आटा गूंदने वाली। 1000 वाट की इसकी पावर है और ये हमें मिली है 31 रियाल में। टैक्स लगा के पूरे बने हैं 32 रियाल, तो इंडिया में चलता है 200 रुपया 1 रियाल का। तो करते हैं इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, मटेरियल बाउलर्स का, और 5 किलो आटा इस पर गूंद सकते हो एक टाइम पे, और बाकी LED है इसके, कुछ बटन है। तो चलिए फिर करते हैं अनबॉक्सिंग। पीछे मेरे रूममेट है, हमेशा शोर ही मचाते रहते हैं। सो बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट है, नया प्रोडक्ट आया है किचन में आज। सो ये कुछ पेपर वर्क है, ये ऐसी मशीन है हमारी। सो ये क्यूटी पाई सी मशीन। सो कवर मैंने निकाल लिया है, अब इसका जल्दी से हम पॉलिथीन भी निकाल लेते हैं और निकालते हैं इसको बाहर। सो मैंने इसका ऊपर का कवर उतार लिया है। तो ये है 5 लीटर का बाउल इसका, ये पूरा स्टील का बना हुआ है। तो एक टाइम पे आप 5 किलो आटा इसमें गूंद सकते हो। तो इसको ओपन करने का तरीका है, इसको प्रेस करेंगे, पुश है करके ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप इसका बाउल को यहाँ पे सेट करेंगे, देन इसका ऊपर कवर है, और हमें साथ में मिले हैं कुछ ये एसेसरी, एक ये चीज है। तो ये मुझे भी देखना पड़ना है YouTube वगैरह पे कि इनका काम क्या होता है। ये होगा हमारा आटा गूंदने के लिए। तो हमें इसको ऑन करके इसको चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ साथ साथ में कैसे इसमें आटा गूंदा जा रहा है। और इसमें ये स्पीड है, कंट्रोल है कितना अपने फास्ट चलाना है मशीन को। तो ये कुछ बुक्स दी गई है साथ में। सो इसका जी पास के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है ओमान कंट्री में। हमने फ्रिज भी इसी कंपनी की ली है और वॉशिंग मशीन भी। तो जी पास कंपनी के प्रोडक्ट काफी बढ़िया है, 2 साल की इसकी वारंटी है, और ये हमें 32 रियाल में पड़ी है, 5 लीटर की है। और ये ऊपर इसका प्लास्टिक है, बीच में इसका स्टील भी यूज किया गया है, और नीचे इसका वैक्यूम बड़ा तगड़ा है, काफी हार्ड वैक्यूम है इसका, नीचे से सेट हो जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आटा गूंदने की प्रक्रिया। सो ये वाला जो एसेसरी है, ये हमें डो के लिए होती है, आटा गूंदने के लिए हम ये यूज करेंगे। देन हमने भटूरे वगैरह जब बनाते हैं तो बीटन के लिए हम ये यूज करेंगे, और ये है विस्क के लिए, जैसे बेसन का घोल है हमने ऑमलेट बनाना था उसके लिए हम ये एसेसरी यूज करेंगे। तो अभी मैं फिलहाल मैंने बाउल को धोने के लिए रखा है, अभी हम गूंदेंगे आटा। तो बताते हैं कि आटा ठीक गूंद रहा है नहीं गूंद रहा है, क्या इसके फीडबैक है, तो मैं बताता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है मशीन। सो मैंने आटा इसमें डाल लिया है, हम अभी फिलहाल आज 5% है, तो मैंने हाफ से कम लिया है 5% के लिए, और अभी हम चलाएंगे मशीन को, रखेंगे मशीन के ऊपर और इसको करेंगे लॉक। लॉक हो चुकी है, इसको
कवर है रबड़, मुझे लगता है कि इसमें रबड़ होनी चाहिए थी ताकि ये अच्छे से लग जाए, बिकॉज रबड़ नहीं तो फिर भी जा रहा है। ये थोड़ा मुझे माइनस पॉइंट लग रहा है इसका कि वैक्यूम नहीं बन रहा है ढक्कन से। तो अभी हम लगाएंगे लॉक। इस तरह से लॉक लगा दिया। इससे फ्रेंड्स हो गए। सो फ्रेंड्स इसका क्या है कि पहले आपको क्या करना है, ये कवर है इसके बीच में फिट करना है, ऐसे इसको आर पार कर लेना है, उसके बाद मशीन को डाउन करना है और ये ढक्कन आपका फिट हो जाएगा पूरा इस तरह से। ये ना टफ कर दिया उन्होंने मशीन को, तो वन पर्सन का काम नहीं लग रहा। सो फ्रेंड्स इसका क्या है कि इस तरह से आपने लगा के इसको ऐसे करना है लॉक हो जाएगा, और इसको ऐसे करना है आपने तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, इस तरह से मैंने लॉक कर दिया। अब हम करते हैं मशीन को ऑन। तो मैंने इसको फिलहाल अभी एक पे रखी स्पीड। सो ये जो ओपन है इसका ढक्कन, यहां से हम पानी डालेंगे धीरे धीरे, और ये हम इसको अभी एक पे रखते हैं। फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है। तो मैंने किया मशीन को ऑन, तो इसकी एलईडी इंडिकेटर चल पड़ा है। तो मैं पहले डालता हूं इसमें पानी, फिर इसको चलाते हैं थोड़ा। मैंने हल्का सा पानी दे दिया। सो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और यहां से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल वन पे चला रहा हूं इसको। A few moments later. सो फ्रेंड्स मुझे कम से कम 5 मिनट हो गया आटा गूंथते हुए, तो मेरा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने ऑयलिंग कर दिया है इसके ऊपर आटे पे, और मैं फिर से इसको थोड़ी देर घुमाऊंगा। और इसका कंट्रोल 4 तक भी है। स्टार्टिंग से आप फर्स्ट चलाओगे, थोड़ी देर के बाद सेकंड, थर्ड, और लास्ट में जब पूरा आटा गूंथ जाता है तो उसको 4 में थोड़ी देर चला के रखा दो। सो टोटल मुझे 6 मिनट लग गए इसको देखते हुए, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो इतना सॉफ्ट आटा हमारा डो बन के तैयार हुआ है, देख सकते हो आप बिल्कुल सॉफ्ट। तो बढ़िया रहे फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा आज। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा आटा गूंदने का, काफ़ी अच्छा आटा गूंदा है मशीन ने, बिल्कुल सॉफ्ट। तो इंडिया की बात करूँ, इंडिया में ये बनी 6,500 रुपये की, यहाँ हमें 32 रियाल में मिली है। सो मैं सोच रहा हूँ मैं इंडिया लेके भी जाऊँगा अपने लिए, क्योंकि आटा गूंदने में काफ़ी मेहनत लगती है, घर में गैस ज़्यादा हो है ना, तो ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये ठीक है, बटन दबाओ और हालांकि 5 और 6 मिनट में आटा गूंद के तैयार। सो फीलिंग एक्साइटेड बिल्कुल कि नहीं, आज नई मशीन से आटा गूंदा एंड चपातियाँ बनाएंगे। सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपके घर में भी गेस्ट ज़्यादा आते हैं या आप भी बाहर रहते हो फॉरेन में, ओमान, कुवैत, कहीं भी रहते हो, तो आप ये मशीन बाय कर सकते हो, और बिल्कुल ही बढ़िया मशीन है, 2 साल की वारंटी के साथ है। तो ये अगर अनदर कंट्री की बात करें तो आई थिंक 7,000 तक का इसका रेट हो सकता है मैक्सिमम।
क्योंकि जो अरबी कंट्री है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सस्ती मिलती है। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो करें लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सी यू गाइस।